प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। प्याज के साथ साथ किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज में जिस प्रकार से सड़न की समस्या पैदा हो रही है, रोज नए नए वीडियो सोशल मीडिया पर डेली आ रहे हैं, नए नए वीडियो अच्छे अच्छे सुपर मालों में भी दागी होने की समस्या पैदा होने लगी है और पिछले एक महीने से यही रिपोर्टें चल रही है कि अपने प्याज को देखते रहें। जिन किसान मित्रों ने सिर्फ भाव को देखा है, प्याज को नहीं देखा, वो अपने गोडाउन में जाकर अपने प्याज को देखें। करते हैं कि प्याज में जो थोड़ी बहुत तेजी हम लोगों को देखने को मिली थी, 3000 रुपये क्विंटल तक का जो भाव देखने को मिला था, तो आवक बढ़ने के बाद अभी आवक बढ़ी हुई है, अभी और भी आवक बढ़ेगी क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में माल खराब हो रहे हैं, वैसे वैसे मंडियों में आवक बढ़ रही है। जिन किसान मित्रों का प्याज अच्छा है वह भी बेचने जा रहे हैं, तो आवक बढ़ रही है। तो इस आवक को बढ़ने से क्या किसान भाइयों प्याज के बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी या प्याज का बाजार और ऊपर जाएगा? तो किसान भाइयों, मैं आपको इसी क्रम में बता दूं कि प्याज में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आवक चाहे 1 लाख कट्टे की इंदौर मंडी में हो जाए, हाँ यह हो सकता है कि प्याज का बाजार जैसे 7 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये टाइट हुआ है, तो उसमें 2 से 4 रुपये ऊपर या नीचे मंडियां चलती रहेगी। जिस प्रकार आवक का दबाव रहेगा वैसे वैसे मंडियां चलती रहेगी, लेकिन कोई भारी गिरावट अच्छे मालों में हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। प्याज का बाजार 1-2 रुपये ऊपर नीचे आपको चलता रहेगा। कल जैसे 30-32 रुपये तक प्याज बिका, तो हो सकता है कि आज 28 से 30 रुपये के बीच में बिके, इसको हम मंदी नहीं कह सकते। तो प्याज में तेजी जारी रहेगी, प्याज की तेजी रुकेगी नहीं। मैंने अपने पिछले 2 से 3 वीडियो में भी यही बताया कि प्याज का बाजार जब 18 से 20 रुपये था, मैंने यही कहा था कि प्याज की तेजी अब रुकने वाली नहीं है। आज प्याज का बाजार 30 रुपये इंदौर मंडी बिक रही है, मध्य प्रदेश की लगभग लगभग सभी मंडियां बिक रही है। तो प्याज की तेजी किसी प्रकार से नहीं रुकेगी। अपने माल पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, भाव पर ध्यान ना दें। भाव बहुत अच्छा है, जब भी आपको लगे कि आपको प्याज बेचना है उस टाइम पे आप प्याज को बेच सकते हैं, लेकिन प्याज में जो तेजी बनी हुई है यहाँ नहीं रुकेगी। किसी भी कंडीशन में प्याज की तेजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ किसानों की लागत मूल्य निकल रही है। किसानों के हिसाब से तो किसी प्रकार की कोई अभी तेजी नहीं है, 5 से 10% का ही प्रॉफिट हम लोगों को हो रहा है। इसलिए प्याज में कोई ज्यादा अप्रत्याशित तेजी नहीं है। आगे यदि प्याज का बाजार सुपर होता है, अच्छा होता है, बढ़ता है, तो किसानों को 2 पैसे उनकी जेब में जरूर आएंगे। विश्वास रखिए, प्याज यदि आपका अच्छा है, सुपर है, क्वालिटी वाला माल है, तो आप रोकिए। जिन किसान मित्रों का प्याज दागी हो चुका है और दाग होने की समस्या पैदा हो चुकी है, वह किसान मित्र अपने प्याज को ज्यादा ना रोके, प्याज को धीरे धीरे बेचते रहें। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि सभी किसान मित्रों के प्याज खराब हैं, किसान भाइयों के प्याज खराब है। प्याज उत्पादक किसान आज संकट की घड़ी से जूझ रहा है, क्योंकि प्याज में जिस प्रकार से सड़न की समस्या पैदा हो रही है, ऊपर आप 5 फीट आपने यदि प्याज भर रखा है तो आप 1 फीट खोदेंगे, बहुत प्याज सुंदर है, सुपर है, क्वालिटी वाला है, लेकिन नीचे 2 फीट के नीचे प्याज में सड़न की समस्या है। और ये जो भयानक गर्मी 47 डिग्री तापमान तक पहुंच गई थी, उसी का नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बारिश जो हुई थी, प्राकृतिक का नुकसान किसानों को हुआ था, प्याज जब खड़े हुए थे खेत में उस समय पर जो पानी गिरा था, उसी कारण से भी प्याज में सड़ने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिन किसान मित्रों के पास में लहसुन है, वह किसान भी ध्यान दे, क्योंकि लहसुन में भी पानी गिरा था और लहसुन में भी सेंटेड होने की समस्या आ रही है। आपने जैसे ही लहसुन जिस कमरे में आपके में रखी है, जिस गोडाउन में रखी है, आप जैसे ही जाते हो, लहसुन में से एक नॉर्मली लहसुन में से जो खुशबू आती है वह एक अलग है, लेकिन एक नाक पकड़ने वाली, और लहसुन में से यदि लहसुन के कमरे में आप गए और आपके आंखों से यदि आंसू निकलने लगे, तो समझ लेना किसान मित्रों आपकी लहसुन में सेंटेड की समस्या है, आपकी लहसुन खराब हो रही है। आप उस लहसुन का विक्रय जल्दी से जल्दी करें, वरना वह लहसुन किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो लहसुन में भी यह समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब किसान मित्रों बातें करते हैं कि विश्वास रखिए,
प्याज यदि आपका अच्छा है, सुपर है, क्वालिटी वाला माल है तो आप रोकिए। जिन किसान मित्रों का प्याज दागी हो चुका है और दागी होने की समस्या पैदा हो चुकी है, वह किसान मित्र अपने प्याज को ज्यादा ना रोके, प्याज को धीरे धीरे बेचते रहें। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। हम हमारे अगले वीडियो में नाफिट के विषय में चर्चा करेंगे कि नाफिट से जो अधिकार छीने थे, तो वास्तव में क्या नाफिट अब बाजार मूल्य पर ही प्याज की खरीदी कर रहा है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।